कम जो मुंजामा भाई लोग यूपी के बाहुबली माफिया डॉन हदीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के 16 दिन बीत चुके हैं। 16 दिनों से लगातार हत्याकांड को अंजाम देने वाले तीनों शूटर अरुण मौर्य, सनी और लवलेस से पूछताछ का दौर जारी है। इधर हदीक अहमद की बीवी और उसका गुर्गा बम्बाक गुटुम मुस्लिम उमेश पाल हत्याकांड के 70 दिन बीत जाने के बावजूद फरार है और पुलिस की नाक में दम कर रखा है। लेकिन अतीक हत्याकांड के बीते 16 दिनों में अब तक जितने भी खुलासे हुए उनमें अब तक का सबसे बड़ा खुलासा 2 दिन पहले हुआ है। एक नहीं 2 खुलासे हुए है। यह सनसनीखेज खुलासा इतना सस्पेक्टिव है कि शायद अब अतीक और अशरफ हत्याकांड में एक नया मोड़ आ सकता है। पूरे केस की दिशा ही बदल सकती है, क्योंकि जो खुलासे हुए हैं उसे सुनकर, देखकर, पढ़कर यूपी एसटीएफ के पैरों तले जमीन खिंचक गई। बड़े बड़े अफसरों के पसीने छूट गए, क्योंकि अब यह केस और भी ज्यादा जटिल होने वाला है। 15 अप्रैल की देर रात पूरे भारतवर्ष ने मीडिया के कैमरे पर माफिया ब्रदर्स हदीक अहमद और अशरफ को मरते हुए देखा। हमने देखा कि 3 लड़के आए और माफिया ब्रदर्स को पुलिस और मीडिया के सामने गोलियों से भून दिया। हमने ये भी देखा तीनों शूटर पुलिस के हाथों पकड़े भी गए। इसके बाद एक सवाल तेजी से फैलने लगा कि इन तीनों शूटरों को भेजने वाला कौन है, इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है, माफिया ब्रदर्स को पूरी दुनिया के सामने मरवाने वाला कौन है। अब तक इस हत्याकांड को लेकर बताया जा रहा था कि किसी सफेद पोश ने माफिया ब्रदर्स को मरवाया, किसी पुलिस अफसर ने, सिस्टम ने, किसी दुश्मन ने अतीक को मरवाया। लेकिन 2 दिन पहले एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने इस केस की जांच की दिशा ही बदल दी। एक नहीं 2 ऐसे खुलासे हुए हैं जो वाकई में खतरनाक है और चौंकाने वाले भी। सूत्रों के मुताबिक जो पहला खुलासा हुआ है वह इस प्रकार है कि हमले की यह पूरी साजिश माफिया अतीक ने ही रची थी और इस हमले की जिम्मेवारी अपने सबसे भरोसेमंद गुर्गे गुड्डू मुस्लिम को दी थी। पुलिस कस्टडी के दौरान हमला करने का प्लान ऐसा था कि अतीक और अशरफ को नुकसान न हो, लेकिन शूटर्स ने मौके पर डबल क्रॉस कर दिया। इधर डबल क्रॉस गुड्डू मुस्लिम के कहने पर किया है, तो वह शख्स कौन है जिसने गुड्डू मुस्लिम को अपने पाले में कर अतीक का राम नाम सत्य कर डाला? क्योंकि गुड्डू मुस्लिम का इतिहास रहा है कि वह कभी ना डॉन बना, ना माफिया, ना गैंगस्टर। उसने पूरे जीवन एक शार्प शूटर के तौर पर काम किया है। बम बनाने में एक्सपर्ट था, मज 5 मिनट में बम बना लेता तो कई गिरो गुड्डू मुस्लिम से काम करवाते थे। बताया जाता है कि 90 के दशक से लेकर अब तक गुड्डू मुस्लिम कई गिरो और यूपी बिहार के अलग अलग माफिया के साथ काम कर चुका है। वह पहले भरोसा जीतता, फिर पैसों के लालच में अपने ही बॉस का सर कलम कर देता। गुड्डू मुस्लिम के बारे में बताया जाता है कि उसने जिस थाली में खाया वहीं छेद किया। वह अपने साथियों को धोखा देने में माहिर है और अब तक कई माफियाओं को धोखा भी दे चुका है। इसीलिए एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम पर शक है कि उसी ने अतीक से डबल क्रॉस किया है। वहीं दूसरा जो खुलासा हुआ है वह वाकई में पूरे देश के लिए चिंताजनक है। जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक अतीक अहमद गैंगस्टर माफिया से बढ़कर आतंकी बन चुका था। वह ISI की मदद कर रहा था, अतीक युवाओं को पाकिस्तान भेज रहा था, आतंकी ट्रेनिंग के लिए युवाओं को पाकिस्तान भेजा जा रहा था और पैसों की लालच देकर युवाओं को बरगलाकर पाकिस्तान भेजता था। ये भी खुलासा हुआ है कि वह अब तक कई युवाओं को पाकिस्तान भेज चुका है। तो मामा आइए विस्तार से जानते हैं दोनों सनसनीखेज खुलासे के बारे में क्या है पूरा मामला। पहले जान लेते हैं अतीक के पाकिस्तानी कनेक्शन वाला मामला। अरे मामा, अतीक के ISI कनेक्शन की बात तो पहले भी सामने आ चुकी है। अतीक पाकिस्तान से हथियार मंगवाता था, ये बात खुद अतीक ने 14 अप्रैल 2023 को धुमनगंज थाने में पुलिस के सामने कबूली थी। लेकिन युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजने का खुलासा वाकई में चौंकाने वाला है। अतीक को लेकर यह खुलासा खुद उस शख्स ने किया है जो ISI का एजेंट है। साल 2021 में जिसान कमर को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था और जिसान ने ही खुलासा किया है कि उसे पाकिस्तान में हथियारों की ट्रेनिंग लेने के वास्ते अतीक ने भेजा था। अतीक ने उसकी मदद की, कैसे? तो जब एसटीएफ ने जिसान कमर से पूछा कि क्या तुम अतीक अहमद को जानते हो, तो जिसान बोलता है हाँ। फिर दूसरा सवाल कि कैसे, जवाब था अशरफ ने पासपोर्ट बनवाने में मदद की। तीसरा सवाल कैसी मदद, जवाब था पासपोर्ट अधिकारी को सिफारिश पत्र लिखा
चौथा सवाल, पासपोर्ट बनाने के बाद कहाँ गए? जवाब था खाड़ी देशों के रास्ते पाकिस्तान। पांचवा सवाल, पाकिस्तान जाने का मकसद? जवाब था वहाँ ISI से हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली। छठवा सवाल, फिर हिंदुस्तान किस मकसद से आए थे? जवाब था मौका आने पर आतंकी हमला करने की तैयारी थी। रे ममा, बाहुबल के दम पर सियासी गलियारों में अतीक अहमद का बोलबाला था। अतीक डरा धमका कर लोगों से काम भी करवा लिया करता था। इसी आड़ में अतीक और उसके भाई ने जिसान का पासपोर्ट बनवाया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसने अपनी जड़ें कहां तक फैला रखी थी, वह किस मानसिकता से चल रहा था। लेकिन आप ये जानकर और भी चौंक जाओगे कि अतीक पाकिस्तान में युवाओं को भेज क्यों रहा था। अरे बाबा, जब STF ने जिसान से पूछा कि अतीक अहमद ने तुम्हारे अलावा कितनों के पासपोर्ट बनवाए, तो जिसान ने बताया कि पता नहीं, मगर अतीक ने मेरे अलावा बहुत से युवाओं को खाड़ी देश के रास्ते से पाकिस्तान भेजा है। जब STF ने पूछा कि युवाओं को पाकिस्तान भेजने से अतीक को क्या फायदा, तो जिसान ने चौंकाने वाली बात बताई कि अतीक और अशरफ को पाकिस्तान से हथियार मिलते थे, इसके बदले में अतीक उन्हें पैसा नहीं देता था बल्कि लड़के सप्लाई करता था जिसका ब्रेन वॉश करके उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। वह बताता है कि उन्हें जिहाद के नाम पर यह सिखाया जाता था कि भारत में काफिरों के खिलाफ जंग छेड़नी है। तो समझ गए ना मामा, ये अतीक पाकिस्तान के साथ अदला बदली वाला खेल खेल रहा था। अतीक पाकिस्तान को आतंकी बनाने के लिए मासूम युवाओं की सप्लाई करता था और पाकिस्तान ड्रोन के जरिए वाया पंजाब उसे हथियारों की खेप पहुंचाता रहा। अब यहाँ सवाल उठता है कि अतीक ने कितने युवाओं को आतंकी बनाने के वास्ते आतंकियों के हाथ में सौंप दिए? किसान की तरह कितने युवा भारत आए, और जो भारत आए वो कहाँ है और क्या है इनका प्लान? इधर अतीक के बारे में इस खुलासे के बाद पुलिस चौंकना हो गई है, और अतीक द्वारा जिसान जैसे कितने युवाओं का पासपोर्ट बना है उसे ट्रैक कर पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या था अतीक अहमद का वो आतंकी प्लान। यानी एक बात समझने लायक है कि चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, वह कभी देश का भला नहीं सोच सकता। वो अगर आपके नजदीक भी आएगा तो बेशक आपका भी नुकसान होगा। तो अपराधियों से दूर रहो और अपने माँ बापू के वास्ते कुछ ऐसा करो ताकि वह सीना चौड़ा कर बता सके अब उनके छोरे ने मर्दों वाला काम किया है। देखो, किसी को मारने में और मर्दानगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब दूसरे सनसनीखेज खुलासे के बारे में बात करें तो सूत्रों के मुताबिक अतीक पर हमले की यह साजिश खुद माफिया अतीक ने रची थी, और इस हमले की जिम्मेवारी अपने खास आदमी गुड्डू मुस्लिम के हाथों में दी गई थी। पुलिस कस्टडी के दौरान हमला करने का प्लान ऐसा था कि अतीक और अशरफ को नुकसान ना हो, लेकिन शूटर्स ने मौके पर डबल क्रॉस कर दिया। सूत्रों के मुताबिक अतीक ने गुड्डू मुस्लिम से कहा था कि हमला कराओ, तो सवाल यह है कि गुड्डू मुस्लिम को किसने कहा कि अतीक और अशरफ की हत्या कर दो? क्या गुड्डू मुस्लिम की गद्दारी की बात अशरफ को पता चल गई थी और अशरफ गुड्डू से जुड़ा यही खुलासा करने वाला था? क्या इसी वजह से अतीक की हत्या कर दी गई? अगर गुड्डू मुस्लिम ने गद्दारी कर अतीक और अशरफ की हत्या करवा दी है, तो गुड्डू मुस्लिम ने किसके कहने पर डबल क्रॉस किया? वह अतीक के किस विरोधी गैंग से जा मिला? पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम ने इस फर्जी हमले के बारे में कई बदमाशों से जिक्र किया था। बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम को ऐसे शूटरों की तलाश थी जो भीड़ के अंदर जाकर फायरिंग करे ताकि दहशत फैलाई जा सके। हमले का प्लान साबरमती जेल से आने के दौरान रास्ते में या प्रयागराज में करने का था। प्लान के मुताबिक अतीक अहमद को इस हमले में कोई नुकसान नहीं पहुंचाना था। अरे मामा, प्रयागराज में हमला जरूर हुआ, लेकिन इस हमले में माफिया ब्रदर्स का रियल में खात्मा हो गया। सूत्रों के मुताबिक फर्जी हमले की यह साजिश साबरमती जेल या कहीं और रची गई थी, इसका जल्द ही खुलासा होने वाला है। अब सवाल है कि अतीक खुद पर हमला क्यों करवाना चाहता था? इस पर जो थियरी सामने आई है वह ये थी कि पुलिस कस्टडी में खुद पर हमले का ड्रामा रचकर अपनी सुरक्षा पुख्ता करना चाहता था। हमले में अतीक अहमद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना था। प्लान के तहत नजदीक से फायरिंग करनी थी और आसपास बम पटकने थे। इसके जरिए यह मैसेज देना था कि अतीक अहमद पर उसके विरोधियों ने हमला कर दिया और उसकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। कोशिश यह थी कि ऐसा होने से उसे VVIP सुरक्षा में इधर उधर ले जाया जाएगा। अतीक का मानना था कि अगर उसे नजदीक से गोली चलेगी और बम पटके जाएंगे तो उसके बाद उसकी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी और फिर उसे कोई मार नहीं पाएगा,
और पुलिस भी एनकाउंटर नहीं कर पाएगी। इसी कारण से उसने अपने खास शूटर गुड्डू मुस्लिम को इस पूरे प्लानिंग की जिम्मेवारी सौंपी थी। इधर सवाल उठता है कि क्या गुड्डू मुस्लिम ने अतिक को डबल क्रॉस किया, और अगर डबल क्रॉस किया है तो आखिर वह कौन है मास्टरमाइंड जिसने गुड्डू के कंधे पर बंदूक रखकर अतिक का गेम ओवर कर डाला। अब सुनो मामा, अतिक की हत्या के ठीक चंद मिनट पहले का यह वीडियो देखिए। जब अतिक पुलिस की जीप से बाहर निकल रहा था, उसने किसी को देखा और फिर सिर हिलाकर इशारा किया। माफिया ब्रदर्स की हत्या के बाद यह वीडियो तेजी से वायरल भी हुआ था। तब अंदेशा जताया गया था कि माफिया को बचाने कोई आया था, माफिया को पहले से पता था, इसलिए उसने अपने लोगों को बुला रखा होगा। हालांकि जब ये नया प्रकरण सामने आया है, तब से वो अंदेशा बदल गया। मानो माफिया अपना मुंडी हिलाकर किसी को इशारा दे रहा हो कि तैयार हो जाओ, हमला करना है। यानी माफिया ने खुद के ऊपर हमले की साजिश खुद ही रची थी, और अब ये अंदेशा पुलिस जांच में हुए खुलासे के बाद यकीन में बदल गया है। अतीक ने यह साजिश क्यों रची? पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसका दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि अतीक ने खुद पर अटैक करवाकर पुलिस कस्टडी से भागने का प्लान बनाया हो। मनसा यह भी हो सकती है कि इस हमले के बाद पुलिस बचाव की मुद्रा में होगी, आसपास अफरा तफरी मचेगी और इसका फायदा उठाकर अतीक भागने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ऐसा हो ना सका। शूटर्स ने डबल क्रॉस कर दिया और अतीक के 40 साल के साम्राज्य को महज 40 सेकंड में मिट्टी में मिला दिया। इधर जांच एजेंसियां इस बात के सबूत जुटाने में लग गई है कि कहीं तीनों शूटरों को कहीं अतीक गैंग ने तो नहीं बुलाया, कहीं अतीक गैंग के किसी सदस्य ने गद्दारी तो नहीं कर दी, कहीं हमला तो उसी गैंग का नहीं है, या ड्रामा करने की बजाय सुपारी दे दी हो, या फिर किसी और शख्स को ही इस हमले की जानकारी पहले मिल गई हो और अतीक के लोग हमला कर दे उससे पहले उस शख्स ने अपने शूटर्स को भेजकर अतीक को मरवा दिया हो। कुछ भी हो सकता है मामा, यहाँ कौन कब क्या कर जाए कुछ कह नहीं सकते। अब इन सारे राज से पर्दा तब उठेगा जब बमबाज गुड्डू मुस्लिम पकड़ा जाएगा, और तब पता चलेगा कि उसने अतीक से डबल क्रॉस क्यों किया, अतीक ने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसके साथ गद्दारी की, और अतीक के बाद गुड्डू मुस्लिम ने अब किसको अपना नया आका बनाया है। लेकिन जहां तक फर्जी हमले का ड्रामा रचने की बात है तो अतीक इसका मास्टर रहा है। अतीक ने ऐसे ही साजिश साल 2002 में रची थी। 2002 में प्रयागराज जिला कचहरी में पेशी के दौरान पुलिस कस्टडी में अतीक पर बम फेंका गया था, बम से हमला हुआ था, तब अतीक को मामूली चोट आई थी। बाद में पुलिस ने जांच में साफ कर दिया था कि हमला अतीक ने खुद पर करवाया था। करीब 6 महीने पहले से ही अतीक अपनी हत्या की आशंका जता रहा था। खतरा उसे पुलिस से कम अपने दुश्मनों से ज्यादा था, इसीलिए कई बार उसने कोर्ट में भी अपनी सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाई थी। पुलिस सूत्रों की माने तो बेटा असद और शूटर गुलाम भी फर्जी हमले को अंजाम देने झांसी पहुंचे थे। हालांकि वे आगे तक पहुंच पाते उससे पहले एनकाउंटर में मारे गए। यही नहीं, जब प्रयागराज में अतीक की हत्या हुई उसके 1 सेकंड पहले अतीक के आखिरी शब्द भी गुड्डू मुस्लिम था, इसलिए शक की सुई अतीक के बमबाज गुड्डू मुस्लिम पर ज्यादा घूम रही है। सूत्रों के मुताबिक अतीक को मारने वाला शूटर लवलेश तिवारी उमेश पाल की हत्या के बाद जब गुड्डू मुस्लिम फरार हुआ उस वक्त प्रतापगढ़ में गुड्डू से मिला था, और दूसरी बार प्रयागराज में ही अतीक के अड्डे पर गुड्डू मुस्लिम से टकराया था। यानी अब अतीक अहमद और अशरफ अहमद हत्याकांड में एक बड़ा सैलाब आने वाला है। जो कहानी आप और मैं सुन रहे थे, देश का पूरा मीडिया गला फाड़ फाड़ कर बता रहा था, वह कहानी असल में कहानी ही थी। असली पटकथा अब सामने आएगी, असली मास्टरमाइंड अब सामने आएगा। लेकिन यह तभी संभव है जब गुड्डू मुस्लिम पुलिस के हाथों में होगा। तो भाई लोग, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में गुड्डू मुस्लिम गद्दार हो सकता है, उसी ने अतीक को मरवाया? कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।